साथियों, आज आपको जो महिला सामने दिखा रहे हैं तो ये बच्चे की तरह, तो ये सांड, तो ये पाड़ का तैयार कर रहा है साथियों मुर्रा का। और जो पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे तो ये कौन से गांव में है और ये कौन से तो जिले में है, तो एक बार तो ये गांव तो लड़वा है और तो जिला, तो ये साथियों जिला है मुजफ्फरनगर और गाँव है तो ये लड़वा। तो ये महिलाएं हैं, तो ये महिला है सामने, तो हम इनको पहले तो नमन नहीं करते, नमस्कार जी। तो देखो इतना शौक है कि तनु कह रही है जो बेटे की तरह जी, देखो जो साथियों अपने बेटे की तरह, तो ये पाल के तैयार तो ये कह रहा है साथियों। तो ये मुर्रा खटड़ा, इसकी माँ का रिकॉर्ड कितना है दूध का जी? 18 लीटर। तो इसकी माँ भी यही है वो, तो सामने वो इसकी माँ है, तो अभी एक बार देखेंगे। तो जी आपने तो ये तैयार कराया, हाँ। तो इसको कितना दूध पिलाया? दूध अच्छा, हाँ। दो थन। तो दो थन है वो कितने दिन तक का? एक महीने, 7 महीने तक पिया। उसके बाद मतलब पहले अगले दोनों थन पियाए, हाँ, 2 महीने तक, फिर मतलब लास्ट तक मैं ऐसा दूध पियाती रही। अच्छा, तो फिर ये जो इसकी माँ ने दूध दिया, अच्छा, और कोई दही या तेल? हाँ, दही तेल वो बेसन मिला के उसमें, अच्छा, तो दिया, वो दिया। साथियों एक बात सुन लो, कोई टॉनिक पोनी, कोई जो ये जो आ रहे दुनिया मार्केट में का फाप, ये सब बेकार है। सबसे बढ़िया है वो हम अपनी वीडियो में एक अलग से वीडियो लाएंगे, तो ये छोटा बच्चा तैयार करने के लिए, एक तो साथियों चने और सोयाबीन और बिनोड़े, तो ये आप सारे 2.5 किलो ले लो और उसको एक उसमें जो कढ़ाई में आप इसको भून लो और उसको रख लो, और हड़ो जो वो हड़ो अलग लिया हो तो वो पीस के अलग रख लो, और जो एक चम्मच जो दही में मिला के और जो सरसों का तेल और साथ में थोड़ा सा जो उसमें काला नमक और दही में दे दो अब, और तेल, और सर्दी है तो उसमें तिलों का तेल, तो अब सर्दी आएगी तो जो इसी फार्मूले में जो तिलों का तेल ले लो। सब टॉनिक पोनिक देने तो वो बेकार है, सबसे बढ़िया है तो यही है, तो जो इसी बच्चे तैयार होते हैं। तो जी इसे तो ये अब क्या साल का है जी? ये 4 साल का होगा। अच्छा, तो अब सारा जो वो घर का काम आप ही करते हो, तो घर का भी, इनका भी, तो ये मतलब खेत में आपका, तो वो बोले नाम क्या, शुभ नाम? संजीव। तो अच्छा, तो ये संजीव जी तो ये खेत में से ले आते हैं, तो फिर ला गए आप ही सबको धोना धोना, तो आप सुबह 3:30 बजे बता रही थी आप उठ जाते हो। तो जी नाज में क्या क्या खिलाओ? चने का चोकर, हाँ, गेहूँ का चोकर, मेथी जी, उसका वो पिसवा के, हाँ हाँ, वो खिला रहे हैं, और वो वैसी फल है सोयाबीन वाली, अच्छा, वो वाली सबका मिक्सर, कई चीज का मिक्स बना के, अच्छा अच्छा, वो गिर रहा है। तो ये सीधा है वैसे जो मारता मूर्ता नहीं? अरे वाह वाह, तो इसका जो आपका बेचने का भी विचार है? हाँ जी, बेच भी दे रहे हैं, कोई सही पैसे कोई ऐसे जैसे हम ऐसा ही कोई मिल गया। अच्छा, जो जो वो चल लाड में दो है, चलो तो जो साथियों कोई भाई अगर लेना चाहे किसी वैसी भी जगह, किसी का साई पसाई गुंदो नहीं? अरे वाह, देखे साथियों इसका जो बाप है इसी हिसाब से कोई जैसा वो बीज बीज बना, हाँ, सीमन के लिए लेना है। देखे साथियों अब तक इन्होंने ये बुग्गी में भी ना तो चला ना हिलाया, और ना अब तक नीचे जो इसके साथियों खुरी टिकवाई, तो ये भी मतलब जो जुकर बुलबुल बच्चा पाल रखा, जुकर जो लाड में तो वो पाल रखा, और जो ये 1470 का है जी, HLDB का नहीं है वो, हाँ ना, नहीं नहीं, HLDB अलग संस्था है, हिसार का जो वो बोवाइन का है, एक सेठ जी मतलब जो लाला जी का सीमन सेंटर है वहाँ का है वो, और सरदार जी है, हाँ, 26 किलो की जो वो जो भैंस का सांड का है, और वो जान के उसका माँ का जो बाप है R10 है वो, ठीक है, अच्छा सांड है। तो और तो जी थोड़ा आप ही दिखाओ जी, ले चला के दिखाओ थोड़े से एक बार, देखे साथियों तो ये महिला शक्ति है, और हमारी यूपी में तो ये ऐसी पहली महिला है जो जो हमने इतनी शौकीन साथियों देखी है, नहीं जो महिला तो मारवाड़ी भी है, तो वे भी मतलब जो रो वेड़ांगरू का जो करती हुई को बैठाती हुई, तो रोना नहीं चाहिए, अब जो ये हमारी रोजी रोटी है जो हमारी, तो ये हमारा तो ये धन है, तो इनको सुबह उठ के जो असली दूध वाली भैंस है उसके बल्कि मतलब पैर छूने चाहिए जो हमारे जो अच्छा है ना। तो क्या साथियों ये तो जो एक बार नीचे से भी दिखा दूंगा एक बार अच्छी तरह, देखो एक तो बिल्कुल चम्मी कितनी भरी है वो नीचे, तो साथियों देखो जो टेस्टिकल भी बिल्कुल अच्छे सांड, तो ये दूध की कटिया पैदा साथियों कर सकता है, तो माँ का रिकॉर्ड 18 किलो है जी। तो क्या साथियों तो ये माँ है, मैं ये माँ भी दिखा दूँ एक बार, देखो माँ भी मुर्रा नस्ल की है, बिल्कुल अच्छे बड़े बड़े सींग है, तो बिल्कुल मुर्रा का सींग होता है, और माँ भी देखो, तो ये ओहो, तो ये माँ इसकी कब तक ब्याहोगी जी? 25 का, अच्छा 10 होलिए, तो सीमन जो वो रखा है जो जो यू मतलब जिसका पैदा होया तो वो रखे नहीं है जी, तो कई रिकॉर्ड है पर लेकिन जो है 1470 का, अच्छा कोई मतलब DNA टेस्ट भी ले सके, अच्छा लाओ जी घुमा के लो थोड़ा इधर देखो जाती हो, तो अब तो ये कहनी के तो तोड़ क्या होगा? तोड़ लिए अभी जमे,
तो जी तो एक बार अपना मोबाइल नंबर बोल दो आप। 97190 हाँ 42702। अच्छा 42702। तो साथियों तो ये नंबर संजीव जी का है जो बड़ा अच्छा सांड है, बिल्कुल बारीक चामी है, इसकी क्वालिटी देखो एक बार थोड़ा अच्छा लियो इधर, वो दर्शाऊँ मैं। हाँ बड़ा जो सीधा जोटा, आँख मोटी मोटी अच्छी है, बिल्कुल एकदम बारीक चामी, 14-17-10 भी अच्छा सांड है। और देखिए बड़ा मतलब बिल्कुल इसकी जो ध्यान से रख रहे तो कुछ जो जो इसे तेल ताल भी दे रहे अभी। हाँ, तेल भी दे रहे। तो तेल में क्या इसे पिला रहे? तेल सरसों का। हाँ। अच्छा तो साथियों बिल्कुल साधारण बिल्कुल पशुपालक है, सीधे हैं, सेवा करने वाले हैं, कि ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते ज़्यादा बारीकी की, पर लेकिन ठीक है ऐसे पशुपालक ही हमारे आगे आना चाहिए, हमारे लिए यूपी के लिए एक ये जो बहुत बड़ी बात है कि यूपी की जो एक महिलाएं और तो साथ में संजीव जी ने भी साथ देकर ऐसा मुर्रा नस्ल का सांड तैयार करा, तो इनके लिए बहुत ही काबिल तारीफ बात है, हमारी यूपी के लिए एक जो मोटिवेशनल है सीख है, जो सब सीख है कि ऐसी महिला भी हो, और जो हमारी माताएं बहने हैं उनसे भी हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि जो ऐसे ही पशुपालन तो जो करो तो इनसे चिड़ो मत, जो इन्हें अपने जो मतलब घर का सदस्य जो आदमी समझेगा तो वही इनमें हमेशा कामयाब होगा, और जो मान लो पशु को समझो साथ जो पशु समझेगा तो वो कामयाब नहीं होगा भाई, वो जो मतलब माथे में तो जो तोड़ी के रह रहा है भाई, जो घास करना पड़ेगा वो बैठना पड़ेगा भाई, नुहाना पड़ेगा, तो फिर वो जो क्या पशुपालक है भाई, वो तो कुछ भी नहीं। अच्छा तो साथियों ये जो बताना हमारी आज की जो वीडियो की जो कैसी लगी, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, बस यही है 14-17-10 इसका बाप है जो हिसार बोयान का है, सांड अच्छा है, और सरदार जी है तो उनका जो भैंस थी उसका बच्चा है वो, हाँ मैं हाँ हरविलास जी, तो वे बहुत अच्छे पशुपालक है, शौकीन है, और जो इसकी माँ आपको ये दिखाई थी 17-18 किलो की है, और 18 किलो भी दूध कोई कम नहीं होता, अगर कोई भाई लेना चाहेगा तो वो संपर्क इनसे कर सकता है। तो साथियों आज की वीडियो हमारी बताना जाए कैसी लगी, इतने चैनल को इसे लाइक और मतलब सब्सक्राइब करो, हमारे यूट्यूब के दर्शक है जो हमारे जो भाई है तो वे हमारे परिवार की तरह है, और गाँव है जी तो ये लड़वा जिला मुजफ्फरनगर, तो ये जिला के मुजफ्फरनगर है उत्तर प्रदेश, और संजीव जी का नंबर मैं ये लगा दूंगा, तो बताना हमारी वीडियो आज की लगी। जय गो माता जय भारत, मेरा भारत महान।